जय हिंद। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर, तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर की वैकेंसी की बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ी नोटिफिकेशन इस वक्त की और बम्पर मात्रा में इतनी शानदार वैकेंसी आने वाली है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे ध्यान से सुनेगा कि सुपरवाइजर वैकेंसी कितनी है, इसकी स्टार्टिंग डेट कितनी है और कब से इस लास्ट डेट, अवधि सूचना डेट और बहुत सारे ऐसे तमाम वैकेंसी पोस्ट के लिए हम बायोडाटा की आप क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले चैनल में यदि आप नए हैं तो पूरा देखिएगा और ऑलरेडी आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप 1 से 2 मिनट वीडियो देखते हैं और पूरा जानकारी आपको पता नहीं चलता, बाद में हमें आप पूरा पूरा कमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजिंग में मत रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और चलिए पूरा हम आपको बताते हैं अधिसूचना डेट। देखिए पिछले टाइम की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर की वैकेंसी 2021 में 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें मैं आपको कटअप भी बताने वाला हूँ और इतने इजी से इजी क्वेश्चन आया था कि क्या बताएं। तो देखिए 200 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आप लोग एग्जाम दिए बहुत ही, और अदर महिला जैसे कि ऑलरेडी पटवारी पीएससी की तैयारी कर रहे उनके लिए ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बेसिक से लेकर हाई तक का क्वेश्चन पढ़ते थे, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन आया था और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, इन्हीं ऐसे तमाम क्वेश्चन थे जो छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर में पूछा गया था। ज़्यादातर आप स्पेशल सुपरवाइजर का बुक पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का बुक पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ पटवारी का बुक पढ़ते हो, पीएससी की बुक पढ़ते हो, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो 150 रुपये में लूसेंट का आता है, यदि तमाम ऐसे सस्ते सस्ते और महंगे महंगे आप बुक पढ़ रहे तो आपको इस बार छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर के एग्जाम ज़्यादा कठिनाई ही नहीं जाएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 145 तक का जो महिलाएं इसमें नंबर लाए थे उनका ही ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है, और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का इतना आसान आसान क्वेश्चन आया था, मैथ का क्वेश्चन आया था। यदि आप छत्तीसगढ़ जीके एकदम तबाही पढ़ते हो तो आपको कहने का मतलब छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड ज़्यादातर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आया था जीके में, तो आपको अदर स्टेट का पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंडियन लेवल में संविधान है, अनुच्छेद है, या फिर इंडियन भूगोल है या छत्तीसगढ़ भूगोल, इन सबको पढ़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर का एग्ज़ाम कोई खास होता नहीं है। कहने मतलब दोस्तों कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन दोस्तों यदि आप सोचते हो कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इजी इजी लेवल का पढ़िए, 1 से 2 बार एक क्वेश्चन को पढ़िए, आपको एग्जाम ऑटोमेटिक आसान लगने लगा। देखिए बाद में कटअप के हिसाब से सिलेक्शन होना और नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन पहले से आप लोग अपने माइंड को छोटा बनाओगे तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला, तो तैयारी करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले टाइम 200 वैकेंसी आई थी, इस बार 2023 तक का कितना नोटिफिकेशन है, क्या है कैसा, पूरा ध्यान से सुने, अब आप हम आपको बताते हैं, ठीक है। थक जाता हूँ थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते, आप क्या करें। छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर की वैकेंसी 2023 में इस बार 500 से 600 तक का वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी 200 पोस्ट के बाद भी बहुत सारे ऐसे तमाम जिला है जहां पे सुपरवाइजर की वैकेंसी पोस्ट बहुत ही कम। तो कहने का मतलब इस बार आपको चुनाव से 2-4 महीने पहले आपको 600-700 तक का, 500 तक का, कहने मतलब 500 प्लस तक का आपको छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर का पोस्ट देखने को मिलेगा, और हाई लेवल का भी इसमें वैकेंसी आ सकती है और व्यापम में। तो चलिए दोस्तों, आपको ये चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें।